हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस चैनल का नाम क्या आपको पता है? बिंदास प्रिंसी। मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से, तो मैं उसका रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है? तो मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि जैसा मेरे को, आपको भी दिखा दूँ कि जैसा मेरे को मतलब इमेज दिखा था वैसा है या नहीं, वैसा ऑर्डर करने के बाद मिला या नहीं। ओके, तो आप देख सकते हो किस चीज़ से हैं। ओके, उसका रिव्यू देते हैं कि कैसा है। चलिए सुनते हैं, फर्स्ट ओपन कर रही हूँ इसका कैसा है, चलिए देखते हैं। तो ये है, ये मैंने परचेज किया है अपने लिए। ये देखिए, ये सीफोन का कपड़ा है, ठीक है? मैरून कलर है इसका, आप देख सकते हो। ओके, और चलिए सेकंड देखते हो। सेकंड है, इसका इस टाइप का दिया हुआ है, जो ये बाजू है इसको यहाँ तक आ जाएगा। आप उसको ऊपर भी कर सकते हो, नहीं तो नीचे भी कर सकते हो, आपका मन। आप जैसे चाहो वैसे आप पहन सकते हो। प्लास्टिक है, यहाँ पे रबड़ है, आपको मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा रबड़ है। और ये पीछे का साइड है, ये आगे का साइड है। यहाँ पर ये देख रहे हो आप, इस टाइप से है, बीच में छोटा है और साइड साइड से मतलब लंबा साइड है, लंबा लंबा है साइड साइड से, आपको इस टाइप से मिलेगा। तो ये सेकंड हुआ। मेरे को सेम यही दिखा था फ्लिपकार्ट पे, सेम यही दिखा था, बट इसका कलर डिफरेंट है। कलर इसका डार्क था, बट मेरे को फीका कलर मिला, कलर डिफरेंट कलर है। और दूसरा देखते हैं, और ये मैंने कुर्ती ऑर्डर किया है। ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का ही है। जो घेरे हैं, घेरे आपके बहुत है, इसमें कम नहीं है, आप देख सकते हो। बॉर्डर इसका ऐसा है और प्रिंटेड है, ग्रीन कलर का है। और यहाँ पे ये जो डोरी दिया है वो आप बांध सकते हो आगे साइड या पीछे साइड। ऐसे तो आगे साइड बहुत गंदा लगेगा, आप पीछे साइड से बांध सकते हो, तो पूरा फिट आएगा, उसका लुक बहुत अच्छा लगेगा देखने में। ये इसका ये प्रॉब्लम है, ये जो प्रिंट है आप इसको देख सकते हो, ये जो प्रिंट है ना, वो मतलब आपको 3-4 बार वॉश करोगे तो वो छूट जाएगा, वो धीरे धीरे छूट जाएगा। तो इसका यही एक प्रॉब्लम है, बाकी सब सही है, जैसा दिखा था वैसा सेम है, बट प्रिंट वाला प्रॉब्लम है। ये आपको छूटेगा नहीं छूटेगा, कुछ भी कर लो, बट ये प्रिंट छूट जाएगा। तो ये तो ज़्यादा दिन टिकने वाला आप ले रहे हो, तो आप इसको कोशिश करो कि बहुत कम वॉश करने के लिए, तभी ये टिकेगा, वरना तो ये टिकने वाला है नहीं। ओके, ये 3 हुआ। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक माइक ऑर्डर किया, वो आ चुका है। इसके जो स्पीकर्स हैं, ये आप देख सकते हो। ये देखो, और क्यूट सा इसका कैरी बैग है, ब्लैक कलर का बता है, बहुत क्यूट है। ये माइक है, ये आप कहीं पे टक करके लगा सकते हो, बस यही है कि और भी कुछ है। ये माइक है, मतलब वो खराब हो गया, तो आप इसको ये कर ले सकते हो।
चलो मैं खोल कर ही आपको दिखा देती हूँ। प्लास्टिक में इतना चीज़ नहीं होगा क्या यार? प्लास्टिक के अंदर प्लास्टिक या हम देखो ये जो चेक करना पड़ेगा किसका साउंड कैसा आ रहा है, तो मैं अभी इसको चेक कर रही हूँ। ये माइक है, मैंने इसको फिट कर दिया है तो आवाज़ आ रही है। कैसा आवाज़ आ रहा है तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि कैसा आवाज़ आ रहा है। मुझे तो इसका आवाज़ बहुत अच्छा लगा। मैं सोच रही थी कि अगर अच्छा नहीं आया तो इसको तो रिटर्न करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। और इसका जो पैकेजिंग है, क्यूट टाइप है इसका पैकेजिंग, मुझे बहुत पसंद आया जिस टाइप से इसका कैरी बैग है, बहुत अच्छा लगा। बात करें चैनल के बारे में तो मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, आप लोग मतलब वीडियो आप देख नहीं रहे हो, आप लोग क्यों नहीं देख रहे हो यार? मतलब सपोर्ट करोगे तो तभी तो सही रहेगा। आप बताओ, आप सबको जो मेरे YouTube फैमिली है वो सबको एक बात बतानी है, मैंने स्कूटी लिया है, हाल ही में मैंने लिया है, तो मैं सीख रही हूँ। मैं 3 दिन से मतलब सीख रही हूँ, मॉर्निंग में जा रही हूँ, 4:30 में निकल रही हूँ। मतलब कभी कभी लेट हो जाता है यार, मतलब एक बार जोश रहता है, सबके साथ ऐसा हुआ है, मतलब कुछ भी करो या मतलब मॉर्निंग में जब उठना रहता है तो जोश रहता है कि नहीं मुझे करना है आज, तो मुझे करना है, कुछ भी हो जाए मुझे उठना है, उठना है। फर्स्ट डे मैं उठी मॉर्निंग में, चलो उठ गए। सेकेंड डे फिर भी कैसे करके उठी, चलो यार ठीक है सीखना है, मतलब सीखना है कुछ भी हो जाए, जल्दी जल्द से जल्द सीखना है वो जी। 2 दिन में गई, 2 दिन स्कूटी में गिरा दी। मेरे डैडी बोल रहे हैं कि तुम जितना स्कूटी नहीं जब तक सीखोगी उतना तो उसको तोड़ दोगी, मतलब स्कूटी को भी स्क्रैच वगैरह लगते हैं, अब मेरे पैर में भी लगते हैं, मतलब हर जगह ब्लैक ब्लैक हो गए हैं, चोट लगेगा तो होगा ही ना, मैं गिरा देती थी। और 2 दिन मैंने गिराया, फिर आज मैं गई थी, आज मैं सोची कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ स्कूटी चलाकर। मैंने जो चेन जो मैंने लिया था ट्राइपॉड वो मैंने लिया था, वो उसको मैं स्कूटी में अच्छे से बांध करके, मतलब अच्छे से करके लेकर गई, ठीक है चलाने, मॉर्निंग में मैंने उठा था, अच्छे से लेकर गई। बट वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, इतना रोड ख़राब है, मतलब हम लोग के जो गली से जो मेन रोड में जाता है, ब्रेकर है यार, बहुत बड़े बड़े ब्रेकर, उसमें कई बार होता है ना, उसमें मैं गिर जाती हूँ, उसी में इतनी इधर 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 होते 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 मेरा फ़ोन गिर गया। मतलब जब मैं हाईवे पे गई तो दिख रहा है कि फ़ोन मेरा गिर गया नीचे, रोकना पड़ा। फिर मैं सोची छोड़ो यार अभी ब्लॉग नहीं बनाते हैं, ब्लॉग के चक्कर में मेरा फ़ोन जाएगा वो अलग, और क्या पता फ़ोन में देखने लगी तो पता चला मैं भी निकल ली उधर ही, क्योंकि बहुत सारे ट्रक वगैरह हाईवे पर चलते रहते हैं, तो मेरे डैडी साथ में जाते हैं, कभी आगे रहते हैं कभी पीछे रहते हैं, जब क्रॉस करना रहता है तो आगे रहता है, पहले वो क्रॉस देखते हैं कि गाड़ी आ रहा है या नहीं, उसके बाद वो क्रॉस करते हैं, उसके बाद मैं क्रॉस करती हूँ। तो मैं सोचू जब मैं थोड़ा और अच्छे से सीख लूँगी ना तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, ओके उसको लेकर के ब्लॉग बनाऊँगी कि मतलब कैसा पहले चलता था कैसा अब चलता है। तो बट अभी तो मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि आज गई थी बनाने, बट बना नहीं, वीडियो बहुत ही गंदा बना, जो भी बना मैंने पोस्ट नहीं किया इसलिए, और फ़ोन भी मेरा गिर गया। और आज खुशी के बाद आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पार्सल आया वो अलग, और आज मैं एक बार भी नहीं गिरी हूँ, क्योंकि जहाँ मैं गिरती थी ना वहाँ पर मैंने डैडी को दे दिया कि आप लेकर जाओ, रोका मैंने दे दिया आप लेकर जाओ, लेकर गए जहाँ पे मैं गिरती हूँ, ब्रेकर है मतलब वहाँ पे, देख ब्रेकर है, ब्रेकर के बाद मुड़ना है, मुड़ी गिर जाता था, तो इसलिए मैंने डैडी को दे दिया कि आप लेकर जाओ, वहाँ थोड़ा दूर लेकर गए, उसके बाद वो बाइक पर चले गए, बैठ गए और मैं स्कूटी लेकर चली गई। बट अभी उतने अच्छे से नहीं चलाने आता है मेरे को, मैं भी सीख रही हूँ, अच्छे से सीख लूँगी तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी, और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि स्कूटी अच्छे से सीखने के बाद ना मैं कार सीखूँगी। मुझे थोड़ा बहुत आता है चलाने, गियर 1-2 पर चला लेती हूँ, बहुत रेयर केस में ही 2 पर, नहीं तो मेरे को 1 पर ही दे दिया जाता है, चलाओ तुम इसी पर क्योंकि मेरा कमीना भाई इसी पर दे देता है कि चलाओ इसी पर, नहीं तो तुम पता चले इधर उधर ठोक दी, तुम भी निकली, गाड़ी भी निकला और जो तुम्हारे साथ है वो भी निकल लिया, तो इसलिए तो वही सोचूँ प्रॉपर मैं पहले स्कूटी सीख लूँ उसके बाद मैं कार सीखूँगी। तो मैं दोनों का आपको व्लॉग बनाकर दिखाऊँगी, ओके।
अभी बहुत टाइम है, अभी टाइम ही टाइम है तो चलो बहुत सारा हो चुका है बकवास। जो माइक है, माइक का क्वालिटी कैसा है, कैसा साउंड देता है, अच्छा साउंड देता है या नहीं, वो सब सब आपको पता चल जाएगा वीडियो में। ओके सो बाय।